एक और रॉक स्टार, आई मीन आप ऑलरेडी काफी रॉक स्टार्स दे चुकी हैं टीवी इंडस्ट्री को, एक और रॉक स्टार क्रिएट करने की क्यों सूझी? There's always a dearth of rock stars in this country. Very few rock stars. So, yeah, actually, ये आई थिंक ये इंडिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशन है. मैंने आज तक चार या पांच शोज़ किए जिसमें रॉक स्टार्स हैं और चारों पांचों शोज़ में द रिस्पॉन्स हैज बीन अनबिलीवेबल. तो दैट्स वाई एंड आई बेसिकली ये शो इज़ अबाउट music and a romance that is created by different ideologies on music. So, उनमें से एक रॉक स्टार होना ही था. मेरा सवाल ये है आपसे कि रॉक स्टार तो हमेशा इंडिया में आते ही रहते हैं, लेकिन आपके लिए ट्रू रॉक स्टार कौन है अपनी कंट्री में आपके लिए, और म्यूजिक से आपका कितना लगाव है? कितनी सेंसिबिलिटी है म्यूजिक की आपके अंदर? सेंसिबिलिटी बिल्कुल नहीं, टेस्ट है. और आई थिंक म्यूजिक एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन होता है और एक इंडिविजुअल इवन इन म्यूजिक सीक्रेट्स अ हार्मोन इन योर ब्रेन एक्चुअली. तो वो आपको मेमोरीज आपके पुराने याद दिलाता है. मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, मुझे पुराने हिंदी गाने बहुत पसंद है और मोस्ट बोरिंग टेस्ट इन म्यूजिक, मे बी वेरी टिपिकल ऑफ मी. अगर दो लाइन आप गुनगुना दें यहाँ पता चल जाएगा तो आप वो गाना कभी नहीं सुनेंगे. बट आई थिंक मेरे लिए रॉक स्टार अगेन जैसे म्यूजिक और अपने लिए इंडिविजुअलिस्टिक होता है, मेरे लिए मेरा रॉक स्टार मेरे डैड है और आई एम श्योर दूसरों के लिए कोई और होगा. आई मीन दैट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, सो आई मीन माइंस माय फादर. तो एकता ये अल्टीमेट चॉइस थे करण आपके लिए, अगर हैं थे तो क्यों? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? कितनी मोहब्बत है करण से जी. करण को मैंने पहली बार फेसबुक पे देखा था. आई वॉज न्यू ऑन फेसबुक और मैंने करण ने मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था. और कितने साल पहले? कब हुआ? बहुत साल पहले, ये कितनी मोहब्बत के टाइम पे. और मुझे बहुत हैंडसम लगा था तो मैंने इंस्टेंटली उसका फ़ोटो अपनी टीम को दिया था और बोला था कि इस लड़के को प्लीज़ बुलाना ऑडिशन के लिए. और चंडीगढ़ में इसने अपना ऑडिशन देकर मुझे वहाँ से वीडियो भेजा था और वहाँ से इसे कितनी मोहब्बत का रोल मिला था. उस वक्त इसे एक्टिंग भी नहीं आती थी. बट मुझे एक चीज़ पता था कि करण जब स्माइल कर रहा था, मैंने अपने टीम मेंबर्स को देखा और सब स्माइल करने लगे. तो आई मीन आप किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ कि मुझे करण से कितनी मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. आप जो है हैंडसम लड़कों को ही अपॉर्चुनिटी देती हैं या फिर? नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं बिल्कुल बहुत अगली लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देती हूँ. आई मीन यू हैव टू हैव ब्रोकन टीथ, नो हेयर, वेरी फैट, वेरी अगली, बट इट डजेंट मैटर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रोल. अगर रोल इम्पॉर्टेंट है तो या, बट हाँ आपको मैं जरूर अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ अगर आप आना चाहे तो. एक चीज़ तो और, फंसेंगे तो आप तब जब रॉक स्टार का करियर कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा सास बहू के ड्रामा में, क्योंकि एक हम देख ही रहे हैं एक रॉक स्टार है वो भी अभी सास बहू के बीच में फंसे हुए हैं, अपने करियर पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं. बट आप किस तरीके से मानते हैं कि ये शो कब तक सास बहू तक फाइनल होगा कि लंबा चलेगा आपके करियर के हिसाब से? जिस दिन आप सास बहू देखना बंद कर देंगे रॉक स्टार फ्री हो जाएंगे. I'm a superstar, I'm a superstar.